तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पावरफुल हेयर ग्रोथ सीरम, जिसको आप घर में बना के इसका पूरा पूरा फायदा ले सकते हो। इसको हम बनाएंगे अलसी के बीज से और मेथी दाना से। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो बालों का झड़ना रोकते हैं, बाल हल्के हो गए हैं उसको ठीक करते हैं, साथ ही ड्राई स्कैल्प, ड्राई बाल हैं उनको भी ठीक करने मदद करता है, साथ ही हेयर ग्रोथ को बूस्ट करके बालों को मजबूती देता है। और मेथी दाना के बारे में मैं क्या बताऊं, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और प्रोटीन होता है, जो बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस हेयर सीरम को आप बनाइए और बालों में लगाइए और फिर देखिएगा इसका जादू, बहुत ज्यादा फायदा देता है ये। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में आपको लेना है 2 चम्मच फ्लैक्स सीड यानी अलसी के दाने, फिर इसके बाद इसमें 1 चम्मच मेथी का दाना आपको लेना है, और फिर इसमें आप डाल दीजिए 2 टी कप पानी और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसको आप फ्लेम पे रख दीजिए, यानी कि गैस पे रख दीजिए इस बोल को, और इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करिए। 1-2 मिनट के बाद ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ध्यान रखिए इसको आप चम्मच की मदद से चलाते रहिए। थोड़ी देर में ही आप देखोगे पानी गाढ़ा होने लगा है, थिक होने लगा है। तो हल्का सा एक चम्मच में लेके उंगलियों में टच करिए और इस तरह से चेक करिए, अगर ये जेल फॉर्म हो गया है तो गैस को बंद कर दीजिए, और थोड़ी देर में ही यानी 1-2 मिनट में जब हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा, तभी आपको कपड़े की मदद से इसको छान लेना है या फिर छलनी से छान लीजिए, और जेल कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देगा। फिर इसमें आपको 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना है, यानी कि अरंडी का तेल नहीं डालना ये, तो नारियल का तेल इसमें डालें। इसके बाद इसमें आप डालेंगे विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स, ये भी बहुत ज्यादा फायदा देते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, तो इनको जरूर डालिएगा। तो इसमें मैंने ये डाल दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे, मगर ये चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, तो इसको या तो एक मिक्सिंग जार में डाल के थोड़ा सा चला लीजिए, या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और ये बहुत बढ़िया सा जेल फॉर्म हो गया है। इसको एक ग्लास जार में आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए। इसको आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, यानी हेयर रूट में अप्लाई करना है, हल्के से मसाज करना है। अगर बाल टूट रहे हैं तो मसाज मत करना, बस इसी तरीके से फैला लेना बालों में, तो पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना। अगर बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, तो बालों की लेंथ में भी इसको जरूर लगाना, और बालों को बांध लेना। आधे घंटे तक इसको अपने बालों में रखना है, फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। पहले बालों को पानी से धोइए, फिर शैम्पू कंडीशनर कर लीजिए। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार जरूर लगाएं अच्छे फायदे के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है, ये रेमेडी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।